टपकते पानी के बीच पढ़ते बच्चे, शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती तस्वीरें, शासकीय स्कूल प्राथमिक शाला कड़कुल्हा जन शिक्षा केंद्र ब्रजपुर स्कूल की जर्जर हालत। पन्ना जिला राजनीतिक परिवेश में प्रबल है। पन्ना विधायक बिजेंद्र प्रताप सिंह कैबिनेट मंत्री है, सांसद बीडी शर्मा है जो सत्ताधारी पार्टी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पर पन्ना जिले की शिक्षा व्यवस्था बेपटरी होती जा रही है। कुछ दिनों पूर्व में ही गुनौर के स्कूल की बाथरूम की छत गिर जाने के कारण 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए थे। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी जनप्रतिनिधियों प्रशासन ने सुध नहीं ली और डर के साए में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। ब्रजपुर के पन्ना जिले के संकुल शासकीय सरदार पटेल उत्तर माध्यमिक विद्यालय ब्रजपुर जन शिक्षा केंद्र ब्रजपुर के ग्राम पंचायत गहरा कड़कुल्हा विद्यालय में लगभग 1 वर्ष पहले छत मरम्मत कार्य कराए गए थे। उस समय अरविंद गौर ने इस संबंध में बताया था कि यह छत पूरी तरह से जर्जर है, इसमें आप केमिकल के द्वारा पानी रोकने का प्रयास करेंगे तो छत में गड्ढे की तरह पानी भर जाएगा, पर सरकारी राशि का दुरुपयोग होगा। पर अधिकारियों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और 34,580 रुपए का कार्य कराया है। परिणाम स्वरूप यह है कि छत में जरा सी बारिश होने के बाद विद्यालय के अंदर पूरा पानी आता है। वही आदिवासी बाहुल्य बस्ती है जो 17 बच्चे विद्यालय में दर्ज हैं एवं 2 प्रधानाध्यापक रामबली मिश्रा, राकेश सिंह शैक्षणिक कार्य करते हैं, जिनकी जान माल को खतरा है। जब पीएचएन की टीम ने जाकर देखा तो विद्यालय के अंदर एवं विद्यालय के ऊपर पानी भरा नजर आया। वहीं अभिभावकों से चर्चा की गई तो बताया गया कि बारिश होते ही तो पढ़ने के लिए विद्यालय के अंदर बैठ जाते हैं, बारिश ना होने पर बांस के पेड़ के नीचे बैठकर सभी बच्चे पढ़ाई करते हैं। विद्यालय के अंदर तो बैठना भी भय लगता है कि कब और किस वक्त कोई बड़ी घटना हो जाए। राकेश सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बारिश होने पर अंदर बैठा दिया जाता है, नहीं तो बांस के पेड़ के नीचे क्लास लगने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि एक छत के नीचे बैठने में हमारी एवं हमारे अध्यतन छात्र छात्राओं को छत गिर जाने का खतरा सताता रहता है। जबकि इस संबंध में हमने ग्रुप में एवं जन शिक्षा केंद्र अधिकारियों को कई बार जानकारी दे दी है, पर इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यह बात सत्य है कि कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। प्रधानाध्यापक रामबली मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया है कि एसएमसी खाते से 34,580 की चेक जन शिक्षा केंद्र ब्रजपुर में हमसे ले ली गई और एक भी बारिश ऐसी नहीं हुई जिसमें पानी अंदर नहीं आया हो। इस संबंध में लगातार अधिकारियों को जानकारी देते रहते हैं। विद्यालय के अंदर बैठने में यह डर बना रहता है कि किसी भी वक्त कोई बड़ी घटना हो सकती है, पर अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है कि हमें ऐसी जर्जर हालत में पढ़ाना पड़ रहा है। स्कूल के खाते में 83,000 थे जब 34,580 छत में केमिकल डालने का लिया गया। वहीं 49,000 रुपये लगभग राशि वापस होने के नाम पर हमसे चेक ले ली गई, पालक संघ पालक एवं सचिव के द्वारा दिया गया। जन शिक्षा केंद्र ब्रजपुर के CSE राकेश मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने बताया है कि हमारे द्वारा उच्च शिक्षा अधिकारियों को लेटर के माध्यम से सारी जानकारी दे दी गई है, अतः उच्च अधिकारियों को सारी स्थिति की जानकारी है। क्षेत्र में स्थित हैं DPC कार्यालय पन्ना को अवगत करा चुके हैं। अपने संकुल अंतर्गत जितने भी वहां की हालत अति दयनीय है उनमें कोई दो राय नहीं है, इसका कार्य शीघ्र होना चाहिए। पेड़ के नीचे बैठ जाते, जब बरसात होती तो यहीं बैठ जाते। इसी तरह से बैठते हैं, बारिश होती है तो क्या करें, कहां बिठाएं। वो इसी तरह जो है खतरे में बैठते हैं बच्चे, थोड़ा सा पानी गिरा तो इस तरह स्थिति हो जाती है, या खुल जाता है तो बाहर बिठा लेते हैं। बताया है कई बार, ये भी बताया कि चूता है, पूरी बिल्डिंग चूती है, खराब है, गिरती भी है वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि पूरी बिल्डिंग चू रही है, तो कई बार फोटो भी डाला है। अच्छा, हाँ, इसमें 83,000 राशि से डाला था जिसमें केमिकल सीमेंट। Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I love my phone. हम बैठ रहे हैं, बच्चे भी बैठ रहे हैं, और जब पानी बरसता है तो मजबूरी में बैठना पड़ता है, और अगर पानी नहीं बरसता है तो हम बाहर बैठते हैं बांस के पेड़ के नीचे। 83,000 डाली गई थी जिसमें 34,560 की राशि केमिकल को उत्पाद के जो आदमी करने आए थे, जो कंपनी थी वो ले गई। इसके बाद जो बचा पैसा तो CAC वापस करके ले गया। तो इसमें सब कुछ बताया गया है, कोई सुनने वाला नहीं है।